नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर सीखो हिंदी में। अगर आपको अपने ऑफिस में या घर में फैन रेगुलेटर सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ टूल्स, जैसे कि आपको बताया जाता हूँ, एक बड़ा पेचकस, एक प्लायर और एक टेस्टर, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट फैन रेगुलेटर जो इस टाइप का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अपने जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड को आपको ओपन कर लेना है। इस तरीके इसके चारों तरफ आपको चार पेज मिल जाएंगे, उन चारों पेजों को आपको ओपन कर लेना है, ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसके चारों पेज जो है ओपन कर लिए हैं। हम अपने जो बोर्ड को इसको ओपन करने जा रहे हैं फ्रेंड। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके घर की जो मेन सप्लाई है, जो मेन पावर आ रही है जहाँ से, उसको आपको ऑफ कर लेना है, फिर उसके बाद ही काम करना, नहीं तो आपको जो है करंट लग सकता है। दोस्तों हमारा, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला स्विच है, यहाँ से कुछ दिखाया तो हमें, ये हमारा फैन का स्विच है, इसको हम ऑन करेंगे तो देखिए हमारा फैन यहाँ पे ऑन हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हमने ऑफ कर दिया है, तो अब आपको बताने वाले इसमें आपको फैन का जो है रेगुलेटर, इसको कैसे सेट करेंगे। ये आपको मार्केट में नॉर्मली 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको दोस्तों लगाने के लिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके इसको आपको सेट करना है। ये देखिए, मैं आपको आगे की तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पर नंबरिंग लिखी हुई है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, इस तरीके से आपको इसको सेट करना है। अगर दोस्तों आपके एक्सटेंशन बोर्ड में इसके लिए जगह नहीं है, तो कोई आपका खराब स्विच है तो उसको आप रिप्लेस करके उसकी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम पहले जो है पेस्ट से टाइट कर देंगे, अपने फैन रेगुलेटर को सेट कर लेंगे। यहाँ पे दो होल दिए होंगे, तो इसमें आपको जो है इसके पेज को सेट करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दोनों पेज लगा दिए अच्छे तरीके से, टाइट कर दिया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ बैक साइड पे। अब आए इसकी जो दो टर्मिनल, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप जो दो टर्मिनल देख रहे हैं, जो वायर निकल रहे हैं, इनको आपको कैसे लगाना है, सबसे मेन पॉइंट ये है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कैसे लगाना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ये न्यूट्रल और ये फेस। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो है दोनों रेगुलेटर के वायरों को थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे छील लिया है। अब आप ऊपर वाली वायर है, इसको हमने निकाल दिया है। अब निकालने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और फैन रेगुलेटर के एक वायर को इसमें हम जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, इस तरह। दोस्तों ध्यान रखिएगा, और दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मेन लाइट को जरूर बंद कर लीजिएगा, मेन पावर ऑफ कर देना, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। देखो, देखिए दोस्तों, हमने एक वायर इसमें हमने कनेक्ट कर दिया था, और जो हमारा फेस जा रहा है फ्रेंड्स, इसको नहीं छेड़ना है आपको, वो वहीं के वहीं लगे रहने देना है। और जो रेगुलेटर का सेकंड वायर है, इसको आपको जो है स्विच में सेट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से अब हम इसको जो है पेज को टाइट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जो आपने ये वायर के कनेक्शन किया है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्या है, टेपिंग कर देना है अच्छे से। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको कनेक्शन दोबारा से फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको जो है स्विच का ऊपर का वायर जो इसमें न्यूट्रल का है, वो आपको निकाल लेना है यहाँ से, और उसके एक वायर को आपको फैन रेगुलेटर से कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, और दूसरा जो वायर है फैन रेगुलेटर का, उसको आपको स्विच के ऊपर साइड में कनेक्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। और आपको जो सेकेंड वाला वायर आ रहा है ये फैन के लिए, ये आपका फेस आ रहा है, ये फेस आपको नहीं छेड़ना, वो वहीं पर वहीं लगे रहने देना है। अब इसको हम जो है टेपिंग कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको अच्छे से टेपिंग कर दी है। अब इसको हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा फैन रेगुलेटर प्रॉपर वर्क करने लगा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो है स्विच ऑन कर दिया है और हमारा फैन ऑन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे रेगुलेटर से देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा रेगुलेटर प्रॉपर वर्क कर रहा है, सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा। देखिए, ये हमने करा है एक नंबर पे और हमारे यहाँ फैन ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, अब मैं कर रहा हूँ सेकेंड स्टेप। ये देखिए, हमने दो नंबर पे इसे फैन को कर दिया है, हमारा फैन थोड़ा तेज हो गया है। ये 3, 4, 5, 6 और एक 7। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फुल स्पीड में पंखा चलना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपने फैन रेगुलेटर को जो है लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।